शहर में लॉकडाउन के चलते बेसहारा जरूरतमंदों को भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव अग्रवाल की ओर से अब तक कई ऐसे बेसहारा जरूरतमंदों को अनाज और टाटा वाटर बांटा जा रहा है। लॉकडाउन होने से कई लोगों के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं। लोग अपने कामों पे नहीं जा रहे, जिसके चलते उन्हें भूखे मरने की नौबत भी आ पड़ी है। ऐसे में कुछ बेसहारा और जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें खाने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रामदेव अग्रवाल जैसे सामाजिक कार्यकर्ता एक फरिश्ते के रूप में उनके लिए दौड़ के आए हुए हैं और उन्हें रोजाना खाना और अनाज का वितरण करते रहते हैं। इस समय में हमारे साथ में रामदेव अग्रवाल जी है, जिन्होंने अब तक के कई लोगों को अनाज की किट पहुंचाई है और उन्हें खाना भी रोजाना दे रहे हैं। और साथ ही टाटा का ये जो है वाटर, ये सबसे प्यूरिफाइड ऐसा पानी है जो मरीजों के भी काम काज आता है। इस बारे में हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। जब से लॉकडाउन हो चुका है, लोग अपने घरों में, ऐसे में जो बेसहारा जरूरतमंद लोग हैं, जो भूखे पैसे बैठे हैं, उन्हें कुछ ऐसे शहर के समाजसेवी संस्थाएं हैं जो कामकाज आ रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रामदेव अग्रवाल की, जो इस समय में इस हमारे साथ में मौजूद है और उनके तमाम साथी मौजूद है जो जरूरतमंदों को खाना और इस तरह के किट भी बांट रहे। थोड़ा सा हम आपको पैन करके बताएंगे। आप थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पे टाटा वाटर प्लस नाम की ये जो बोतल है, ये शुद्ध पानी जो होता है, ये इस प्रकार की बोतल है। और ये जो किट है, इसमें पूरा अनाज जो है ऐसे जरूरतमंदों को दिया जाता है जो भूखे पैसे बैठे हैं, ऐसे लोगों को। ये तमाम लोग काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में रामदेव अग्रवाल जी, उनसे जानना चाहिए। अग्रवाल साहब, ये बताए कि ये काम कितने दिनों से काम कर रहे हो आप? ये 23 तारीख को जिस दिन से लॉकडाउन मोदी जी ने बतलाया है, उस दिन गिरीश भैया आदरणीय हमारे परम बड़े भाई, उन्होंने ऐसे ही फ़ोन पे बोला कि भाई हर एक ने अपने अपने जिम्मे कुछ काम लेना चाहिए, तो तुम पानी बांटो। ये टाटा वाटर प्लस ये जो टाटा कंपनी का पानी है, ये हमने उसी दिन से रोज़ 10-15 बॉक्स हम हमारे गाड़ी में रोज़ रख लेते हैं और चौक चौक पे जो पुलिस वाले हैं उन्हीं की भाई आज वो जो सेवा कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक के रुकते हैं। आज पूरा बाजार बंद होने से जो उनको पानी की प्यास, खाना लोग तो बहुत दे रहे हैं, पानी की प्यास बुझाने में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए उनको ये सेवा गिरीश भैया जी के बोलने से हमने शुरू की है और सतत चालू है रोज। ऐसा एक भी दिन हमारा बगैर नागे के ये रोज सेवा चालू है। और ये पानी और जो समय पर जितना खाना हो सकता है गिरीश भैया के सहयोग से वो चालू है। बिल्कुल, ये भारत देश इसीलिए महान है क्योंकि ऐसे संस्थाएं जो कामकाज कर रहे हैं उनके जानू से काम हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम पप्पू व्यास है। हम पहले दिन से इसी काम में लगे हुए हैं और क्या है, ये जितना पुलिस सहयोग हमको दे रही है तो हम उनको सहयोग नहीं देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये संस्थाई संस्था है जो कामकाज कर रही है, ऐसे कई लोग हैं, कई हाथ ऐसे बढ़ के आगे आए हुए हैं जो निराधार बेसहारा ऐसे जरूरतमंदों को इस तरह से अनाज और पानी के बोतलें और खाना बांटते हुए नजर आ रही है। नागपुर के पंडित बच्छराज व्यास चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।